अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी किचन सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम अपने किचन बनाएंगे चिप्स फ्राइज़, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होती हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद आलू। मैं इसे काट लूँगी, एक ही इक्वल शेप में काट लेने आपने। फिर आपने इसको गर्म पानी में 10 मिनट सोक करना है, मतलब गर्म पानी में डाल के 10 मिनट के लिए रख देना है। और इसके बाद आपने 10 मिनट का वेट करना है, फिर आप पानी उसको निकाल दें, उसका गर्म जो डाला था हमने। ये देखिए, मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया है और फिर अब जो है मैंने इसको पानी गिरा दिया। और अब इसके बाद हम ठंडा या पानी लेंगे। अगर ठंडा पानी नहीं है तो बर्फ़ डाल लें आप पानी में, और फिर हम अब फ्राइज़ को ना गर्म पानी के बाद ठंडे पानी में डिप करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से 10 मिनट हमने डिप करना है, उसके बाद ये भी पानी ड्रेन कर लेना है। और उसके बाद हम फ्राइज़ को फ्राई करेंगे, और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के फ्राइज़ बनकर तैयार होती हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कि बारिश हो रही थी बाहर, तो इस वजह से घर वालों की डिमांड थी कि फ़्राइज़ बनाएं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना, इसे कपड़ा बिछा के ना, कोई भी रुमाल, तो ड्राई कर लेना आपने फ्राइज़ को, ताकि ऑयल में छींटे ना पड़े। तो फिर उसके बाद हमने ऑयल में डालना है और उसको फ्राई करना है। आग कम नहीं होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए, ठीक है, ना इतनी लो हो ना इतनी हाई। उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखें, हमारी मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइज बनकर तैयार हो गई हैं। आप इसे इंजॉय करें बारिश में, और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।